सिमर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य दंड विधि का संहिता एक का महत्वपूर्ण पाठ मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, धारा 191, धारा 192 को लेकर चर्चा करेंगे और उसका क्या दंड है 193, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर से संबंधित हैं या उनके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स सेमेस्टर में अगर है वो LLB में, तो उसके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि तो अपने यहाँ जो न्याय सिस्टम है वो पूरा का पूरा न्याय सिस्टम एविडेंस पर आधारित है। क्योंकि न्याय जो प्रशासन है वो न्याय किस आधार पर करता है? साक्ष्य विधि के आधार पर करता है, यानी साक्ष्य पर, सबूतों के आधार पर करता है। अगर सबूत पक्ष में है तब तो दंड मिलेगा, सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है तो अभियुक्त है वो निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। तो यानी पूरा का पूरा जो न्याय सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, वो साक्ष्य या सबूतों पर आधारित है। तो कई बार आदमी अभियुक्त अपने आप को बचाने के लिए या अपने केस को सिद्ध करने के लिए इसका सहारा लेता है, झूठा साक्ष्य देता है। मिथ्या का मतलब झूठा, मिथ्या का मतलब झूठा साक्ष्य देना, जो साक्ष्य है ही नहीं ऐसा झूठा बनावटी साक्ष्य ला करके न्यायालय में पेश कर देता है। तो ऐसा कोई अगर मिथ्या साक्ष्य देता है न्यायालय में, या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, गढ़ना फैब्रिकेटिंग करना, यानी ऐसा जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा साक्ष्य जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अस्तित्व में लाना, ऐसी कोई एंट्री नहीं है उसकी एंट्री करना, पुस्तक है पुस्तक में कोई चीज लिखी हुई नहीं है और मैं वहां क्या कर देता हूँ उसमें कुछ काट छांट करके उसमें ऐसी एंट्री कर देता हूँ, 100 रुपए के मैंने क्या कर दिए 1,000 कर दिए, ये एक बिंदी लगा के मैंने क्या कर दिया, ऐसा मिथ्या जो साक्ष्य है उसका गढ़ दिया, यानी उसका अस्तित्व में ले आया, उसका निर्माण कर दिया। तो ऐसा अगर कोई झूठा साक्ष्य गढ़ता है, निर्माण करता है, इसी तथ्य को अस्तित्व में लाता है जो वास्तव में है नहीं, या ऐसा कोई साक्ष्य देता है न्यायालय में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो झूठ है, और झूठा ऐसा होना व्यक्ति जानता भी है कि भी मैं झूठा साक्ष्य दे रहा हूँ कोर्ट में, ऐसा साक्ष्य अगर देता है या ऐसे साक्ष्य का निर्माण करता है गढ़ता है तो वह अपराध है। वह क्या है? अपराध है, और इस अपराध को भारतीय दंड संहिता में दंडनीय घोषित किया गया है। यानी अगर ऐसा कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या ऐसा मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, ये दंड दिया जाता है सेक्शन 191 धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य को डिफाइन किया गया, मिथ्या साक्ष्य, और धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, और धारा 193 में इन दोनों का दंड दिया गया है। किनका? इन दोनों का, किनका? मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मिथ्या साक्ष्य क्या है, मिथ्या साक्ष्य कैसे गढ़ा जाता है, और मिथ्या साक्ष्य देना या मिथ्या साक्ष्य गढ़ना उसका दंड है वो कहाँ है, 193 में। इसके साथ साथ अपने को इसी से रिलेटेड 191, 192, 193 और 195A एक धारा है मिथ्या साक्ष्य को लेके, 195A, और इसके साथ एक धारा और है जो है 201, धारा 201, इनको भी इसी मिथ्या साक्ष्य का विलोपन करना, कोई झूठा साक्ष्य था या कोई साक्ष्य ऐसा था जिसका विलोपन कर दिया यानी उसको गायब कर देना, या ऐसे तथ्य जिनका निर्माण नहीं था न्यायालय में पेश कर देना झूठे मनगढ़ंत। तो इन्हीं से मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना से रिलेटेड 195 और 201 है, ये चार पांच धाराएं हैं, 191, 192, 193, 195 और 201, 195A है या 195 है, बस क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा, और ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाते हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन तो क्या पता आए कि नहीं आए। अब कोई ये कह दे कि भाई मर्डर है 299, 300 है, तो ये तो इम्पोर्टेंट भी है, और ITC के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये किसी ने नहीं जाना फिर जाना ही क्यों, तो हो सकता है ये क्वेश्चन तो आ भी जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा दिखता है वो एग्जाम में नहीं आता, तो
एग्जाम में उसे थोड़े से हल्के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पढ़ता है या कोई ऐसे क्वेश्चन पढ़ता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से है, स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने की जहां तक मेरा विचार है पूरी संभावना है इसकी। देखते हैं मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या है। मिथ्या साक्ष्य देना सेक्शन 191 परिभाषा, क्या है परिभाषा? जो कोई शपथ द्वारा, जो कोई कोई भी हो सकता है, जो कोई क्या शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त यानी विधि के द्वारा ऐसा चाहा गया है, अभिव्यक्त किया गया है कि आपको इस तरीके से देनी है, विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, उपबंध यानी प्रोविजन या कोई कानून या धारा के अंतर्गत, शपथ के द्वारा ऑन ऑफ या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा क्या करने के लिए, सत्य कथन करने के लिए, सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, वैध रूप से आबद्ध है यानी विधि के द्वारा व्यक्ति को ऐसा सत्य कथन करना था इसके लिए वो क्या है, आबद्ध है, और ऐसा या तो किसी विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा और या फिर किसी शपथ के द्वारा ओन ऑथ। जैसे देखते हैं ना आप न्यायालय में कुरान गीता इनकी शपथ लेते हैं, इस पर हाथ रख के कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, यानी उसने क्या ली है, ईश्वर की गीता की कुरान की शपथ ली है, और शपथ ला करके वो क्या कहता है, कथन करता है। तो ऐसा अगर शपथ लेकर के व्यक्ति मिथ्या कथन करता है, झूठा कथन करता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत आता है यानी मिथ्या साक्ष्य देना। क्या करता है, जो कोई शपथ के द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा ऐसा कथन करने के लिए, जो सत्य कथन होना चाहिए, कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध था, और ऐसा कोई कथन करेगा, वैध रूप से आबद्ध था लेकिन क्या करता है, ऐसा कोई कथन करता है, ऐसा कोई कथन करेगा जो क्या है, मिथ्या है, जो क्या है, मिथ्या है, झूठा है, ये उसको पता है, जो जो कथन क्या है, मिथ्या है, या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, या मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, या मिथ्या होने का उसे विश्वास है। अभी एक बार आप देख लें, विश्वास है, क्या करता है, जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह क्या करता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, मिथ्या साक्ष्य देता है, क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि वह मिथ्या साक्ष्य देता है, ये कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब कोई ऐसा कथन करता है। सेक्शन 191, जो कोई शपथ के द्वारा यानी किसी को शपथ पर कथन करना है, शपथ पर ऑन ऑथ जिसको कहते हैं, ब्रिटेन में इंग्लैंड में वहां उसको पर ज्यूरी कहते थे, वहां इसको क्या कहते थे, शपथ को पर ज्यूरी। आपके एक लैटिन वर्ड आया होगा उसमें इंग्लिश वाले पेपर में, लीगल लैंग्वेज में पर ज्यूरी यानी शपथ भंग। पर ज्यूरी का अर्थ क्या होता है, शपथ भंग होता है, तो यानी शपथ लेकर के उसका भंग करना, शपथ लेनी थी सही की और लेता है झूठी शपथ, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, शपथ को भंग कर दिया। हमारे यहाँ ऑन ऑथ है, ओथ, ओथ का मतलब कोर्ट में जब शपथ लेते हैं वो शपथ, यानी जहां कोई शपथ के द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध था या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध था और क्या करता है, कोई मिथ्या कथन करता है
या मिथ्या होने का उसे ज्ञान है। जो कोई झूठ बोल रहा है उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ। किस कैसे? शपथ पर। मैंने शपथ खाई है कि मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगा सही कहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं झूठा कथन कर रहा हूं, मिथ्या है। या मिथ्या होने का उसे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है कि जो मैं कह रहा हूं शपथ लेकर के वो क्या कह रहा हूं, झूठा कह रहा हूं मिथ्या कह रहा हूं, ऐसा मुझे क्या है, ज्ञान है। या मुझे विश्वास है, मैं शपथ लेकर के कथन करता हूं जिसका मुझे विश्वास है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो क्या है, मिथ्या है। या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, या मुझे ये विश्वास नहीं है, या मुझे ये पूरा तरह से विश्वास है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सत्य नहीं है, वो क्या है, झूठा है। इसमें क्या है, झूठा है मिथ्या है। अगर मैं ऐसा कथन करता हूं तो फिर वो कथन क्या कहलाएगा, मिथ्या साक्ष्य देना, यानी मैंने कौन सा साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है। ऐसा चाहे तो मैं शपथ पर करूं या मैं विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा, जहां मुझे कानून ये कहता है कि आपको सत्य बोलना है और वहां मैं झूठा कथन करता हूं इन आधारों पर, जिसका मुझे ज्ञान है कि जो मैं कुछ कर रहा हूं झूठा कर रहा हूं। आप देखते हो कि कई बार एफिडेविट लिखवाते हो, शपथ पत्र लिखवाते हो, आप स्टाम्प लिखवाते हो ना कुछ भी चीज का, उसमें लिखते हैं ना कि मैंने जो कुछ लिखा है वो सही सही लिखा है, कोई तथ्य छुपाया नहीं है, कोई तथ्य गलत नहीं लिखा है। इसका मतलब मैंने शपथ पर यह कहा है, और उसको नोटरी प्रमाणित कर देता है कि हाँ इसने जो कहा है वो सही कहा है, मेरे सामने कहा है। फिर अगर हम झूठा शपथ पत्र देते हैं तो वो हमारे खिलाफ कार्रवाई का आधार बन जाता है, क्योंकि हमने कैसा साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है। सही देना था, सही की जगह हमने क्या दिया है, झूठा दिया है, मिथ्या दिया, और मिथ्या होने का हमें ज्ञान है या हमें विश्वास है या हमें यह भी पता है कि ये सत्य नहीं है। अगर फिर कोई ऐसा कथन करेगा तो वो कथन क्या कहलाएगा, मिथ्या साक्ष्य देना कहलाएगा। ठीक है, अब इसके एक स्पष्टीकरण दिया गया है, वो ये कहता है कि कोई कथन चाहे मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो इस धारा के अंतर्गत आता है। ऐसा जो कथन है वो चाहे मौखिक हो और चाहे अन्यथा, अन्यथा का मतलब मौखिक के अलावा चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, यानी वो चाहे लिखित हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो मौखिक हो, लिखित हो या अन्य आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलता है उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, अगर ऐसा कथन किया जाता है तो वो कथन मिथ्या साक्ष्य देना कहलाता है। एक स्पष्टीकरण और दिया गया है कि अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा। कोई ये कहे कि मुझे विश्वास है लेकिन उसको वास्तव में विश्वास नहीं है, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे विश्वास है लेकिन मुझे अपने मन में पता है कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं, जबकि मुझे उस चीज पर विश्वास नहीं है। मैं कहता हूं कि तू चला जा, आगे खड्डा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आगे खड्डा है, यानी जो कह रहा हूं वो गलत कह रहा हूं, मिथ्या साक्ष्य दे। या मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि ये रोड खाली है, और जबकि मुझे ये पता है कि ये रोड खाली नहीं है, यानी मैं ये जानता हूं कि ये जो मैं कह रहा हूं वो झूठ कह रहा हूं। ऐसा अगर कोई कथन करता है तो वो कथन क्या कहलाएगा, मिथ्या साक्ष्य देना कहलाएगा, सेक्शन 191 के अंतर्गत। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कै को एक न्याय संगत दावे के समर्थन में, कै को, ये कै है, कै ने एक सही सही ग्राउंड्स पर एक वाद लेके आता है, किसके विरुद्ध, थे के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, थे के विरुद्ध। कै एक न्याय संगत दावा खे के विरुद्ध लेके आता है, किसके लिए, 1,000 रुपए के ऋण वसूलने के लिए, 1,000 रुपए के ऋण वसूली के लिए कै खे के विरुद्ध वाद लाता है। ठीक है, कै खे के विरुद्ध वाद लाता है ऋण वसूली के लिए। जब कोर्ट में साक्ष्य होती है उस समय कै एक गै नामक व्यक्ति को तैयार करता है कि तू जाकर के ये कह देना कि मैंने सुना था, खे ने मेरे सामने कहा था कि 1,000 रुपये कै मेरे से लेगा, या मैंने 1,000 रुपये कैसे लिए हैं, या 1,000 रुपये का जो दावा कैने किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये बात गै जाकर के कोर्ट में कह देता है शपथ पर, गै जाकर के न्यायालय में क्या कह देता है,
शपथ पर इस बात को कह देता है कि मेरे सामने कै ने कहा था कि कै ने जो दावा किया वो बिल्कुल सही किया है। यानी कै अपनी बात को प्रमाणित करवाने के लिए इस गै का सहारा लेकर गै से क्या करवाता है, झूठा कथन करवाता है, जबकि गै को पता है कि मेरे सामने कभी ऐसी बात नहीं हुई, मेरे सामने कभी भी खै ने अपने 1000 रुपए का दावा इसके विरुद्ध स्वीकार नहीं किया। लेकिन गै आकर के न्यायालय में कहता है कि खै ने मेरे सामने स्वीकार किया है कि मुझे 1000 रुपए कै को देने हैं, और शपथ पर कहता है ये बात आकर के। तो खै गै क्या कर रहा है, मिथ्या कथन कर रहा है, जिसका उसे पता है, उसे ज्ञान है कि जो कुछ वो कह रहा है खै के विरुद्ध वो झूठा है, मिथ्या है, और उसे विश्वास है कि वो मिथ्या कथन कर रहा है, या उसे ये भी पता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सत्य नहीं है, इस बात का उसे विश्वास है। तो गै ने जो कथन किया है वो कथन कैसा है, मिथ्या साक्ष्य दिया है। यानी गै ने कैसा साक्ष्य दिया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है। अब कोर्ट में जब शपथ करेगा, शपथ लेगा, तो कोर्ट आशा करती है ना उससे शपथ पर कि भाई ये जो कहे वो सच कहे, सच के अलावा कुछ नहीं कहे, और ऐसी शपथ लेकर के अगर उसने ऐसा झूठा कथन किया है तो ऐसा साक्ष्य इस गै के द्वारा जो दिया गया है वो क्या कहलाएगा, मिथ्या साक्ष्य देना कहलाएगा। ऐसे मिथ्या साक्ष्य के लिए गै को दंडित किया जाएगा, गै को दंडित किया जा सकता है। क्लियर है, ये है मिथ्या साक्ष्य देना। एक दो एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं, जैसे कै सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है, कै कोर्ट में सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है, कानून के द्वारा ऐसा कथन करने के लिए आबद्ध है कि वो जो कहे वो सच कहे, ऐसा आबद्ध होते हुए क्या करता है, कै सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह यह का हस्तलेख है। यानी कै ये कहता है इस हस्ताक्षर के बारे में, इस हस्ताक्षर के बारे में कै ये कहता है कि ये जो हस्ताक्षर किया गया है वो इस यह का हस्ताक्षर है, इस बात का विश्वास करता है। न्यायालय में कहता है सत्य बात कह रहा है, सत्य बात कहनी थी, लेकिन आकर के ये क्या कहता है, इस हस्ताक्षर के बारे में ये कहता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के बारे में विश्वास करता है कि वह यह का हस्तलेख है। यानी न्यायालय में आकर के कह देता है कि मुझे विश्वास है ये जो सिग्नेचर है वो यह के हैं। लेकिन कै उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भावपूर्व करता है, ऐसा होने का विश्वास कै क्या करता है, गुड फेथ में करता है, सद्भावपूर्व करता है। कै ऐसा विश्वास गुड फेथ में करता है कि भाई यह का हस्ताक्षर है। यहां कै का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में सत्य है, और इसलिए यद्यपि वह हस्ताक्षर यह का हस्तलेख भी न भी हो, कै ने मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया है। यानी कै इस हस्ताक्षर के बारे में गुड फेथ में सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए न्यायालय में आके ये कहता है कि मुझे जहां तक विश्वास है यह हस्ताक्षर यह का है, और ऐसा मैं गुड फेथ में सद्भावपूर्वक ऐसा विश्वास करता हूं कि यह हस्ताक्षर यह का है। कै ने कोई मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया, भले इसने शपथ पर दिया है, मिथ्या साक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्या साक्ष्य जो होगा वो तो व्यक्ति खुद जानता है, मिथ्या साक्ष्य के बारे में उसे ज्ञान होता है कि जो कुछ कह रहा वो झूठा है, या जो कुछ कह रहा उसको विश्वास होता है कि वो गलत है। यहाँ जो विश्वास है इस कै का, वो सद्भावपूर्वक विश्वास करते हैं कि अमुक हस्ताक्षर उस फला व्यक्ति के हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जब कभी हमारे यहाँ फॉर्म भरे जाते हैं या कोई एप्लीकेशन देके जाता है तो मुझे उसके ऐसे लगते हैं कि ये हस्ताक्षर उसी के हैं, यानी मैंने देखे। तो फिर अगर मैं ऐसा कथन करता हूँ और कल को वो कथन झूठा होता है, कल को वो उसके सिग्नेचर नहीं होते उस अमुख व्यक्ति के, तो मेरे पर यह नहीं है कि मिथ्या साक्ष्य दे दिया आरोप लगेगा, नहीं, क्योंकि मैंने जो हस्ताक्षर के बारे में कथन कहा है वो गुड फेथ में कहा है, सद्भावपूर्वक कहा है, और सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये बात आप सेक्शन 52A में भी पढ़ करके आए हो, सेक्शन 52 में सद्भावपूर्वक, ठीक है। तो गुड फेथ में अगर कोई बात कही गई है, भले ही वो बाद में झूठे निकले, वो अपराध नहीं है, लेकिन जहां जानते हुए इस बात का ज्ञान रखते हुए, इस बात का विश्वास रखते हुए कि ये कथन सही नहीं है, फिर कथन करता है, तो ये कहा जाता है कि मिथ्या साक्ष्य दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो आता है ये तो है मिथ्या साक्ष्य देना, यानी मिथ्या साक्ष्य देना।
इसके लिए आवश्यक कर्तव्य है वो तीन प्रकार के आवश्यक कर्तव्य जो मैंने पहले बता दिए हैं कि शपथ द्वारा वैध रूप से ऐसा कथन करने के लिए अबद्ध होना, शपथ द्वारा या वैध रूप से अबद्ध होना चाहिए ऐसा कथन करने के लिए, नंबर एक वही होगा। दूसरी बात, जो कथन किया गया है वो कथन कैसा होना चाहिए, मिथ्या होना चाहिए, कथन कैसा होना चाहिए, मिथ्या होना चाहिए यानी झूठा होना चाहिए। और तीसरा, कथन के मिथ्या होने का विश्वास होना चाहिए कि ये जो कथन किया है वो मिथ्या है, इस बात का उसे विश्वास होना चाहिए। फिर अगर कोई ऐसा कथन कर देता है तो ऐसा कथन मिथ्या साक्ष्य देना कहलाता है। रणजीत सिंह के मामले में 1959 का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैध रूप से आबद्ध का निर्वचन करते हुए कहा कि वैध रूप से आबद्ध क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, कहा कि जब कभी न्यायालय में कोई व्यक्ति अपने आप को शपथ लेकर सत्य बोलने की आबद्ध करा लेता है तो वह सत्य कहने के लिए आबद्ध है। कब सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कब कहा जाएगा, जब कोई कोर्ट में ये कह देता है ना कि मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा सत्य कहूंगा इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा, यानी उसने ऐसा कथन कर दिया तो वैध रूप से आबद्ध हो गया कि अब वो सही कथन करे, और फिर अगर वो झूठ कहता है तो वो मिथ्या साक्ष्य देता है ये कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे सेक्शन 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बोल सकता है। यहां तक कोई डाउट, चलो ठीक है। अब देखो आगे धारा 192 सेक्शन 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या कहता है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहता है कि जो कोई इस आशय से, भाई यहां देखना, जो कोई इस आशय से, इंटेंशन आ गया ना, इस आशय से इंटेंशन से काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा इंटेंशन रखते हुए ऐसा आशय रखते हुए क्या करता है, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, यानी जो कोई परिस्थिति थी ही नहीं उसको क्या कर दिया, अस्तित्व में लाता है, एग्जिस्टेंस में लाता है, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख में, या किसी पुस्तक या अभिलेख रिकॉर्ड में या आजकल इलेक्ट्रॉनिक चलता है तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में, जब हमने दस्तावेज पढ़ा था तब पढ़ा था ना कि ऐसा कोई वस्तु पदार्थ या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी इसके अंतर्गत शामिल है, तो किसी पुस्तक में या किसी अभिलेख में या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में क्या करता है, कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, क्या करता है, कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, मिथ्या का मतलब झूठी, प्रविष्टि एंट्री करता है, कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, या कोई मिथ्या कथन करने वाली, या कोई मिथ्या कथन करने वाली क्या करता है, कोई दस्तावेज ऐसा अभिलेख या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या करता है, रचता है, निर्माण करता है, क्रिएट करता है, ऐसे झूठा कथन करने वाले कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करता है या कोई ऐसी मिथ्या दस्तावेज तैयार करता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्रवाई में, ये जो कथन किया गया है ऐसा एग्जिस्टेंस, ऐसी परिस्थिति या ऐसी कोई प्रविष्टि या ऐसा कोई रचना कोई तैयार करता है, ये कहां करता है, किसी न्यायिक कार्रवाई में, किसी न्यायिक कार्रवाई में, जुडिशियल प्रोसीडिंग में, किसी न्यायिक कार्रवाई में या ऐसी कार्रवाई जो लोक सेवक के समक्ष हो, या तो कोई न्यायिक कार्रवाई में इसका प्रयोग करना चाहता है
या ऐसी कार्रवाई जो लोक सेवक के समक्ष हो, पब्लिक सर्वेंट के समक्ष ऐसा कुछ पेश करना है वहां करता है, या मध्यस्थ के समक्ष, या मध्यस्थ के समक्ष, मीडिएशन के समक्ष, मध्यस्थ के समक्ष क्या करता है? दर्शित होने पर मध्यक्ष के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी प्रस्तुति, मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्रवाई में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसे जो साक्ष्य दी जाएगी और ऐसे साक्ष्य में कोई राय कायम करनी है, भाई जज साहब के सामने कोई एविडेंस ऐसी झूठी पेश कर देगा, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करके पेश कर देगा, या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट पेश कर देगा, या कोई एंट्री पेश करेगा, तो कोर्ट जो सबूत आएगा, जो साक्ष्य आएगी, उसके आधार पर भी तो निर्णय करेगा, उसके आधार पर ही निर्णय करेगा ना, भाई मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट आया है। तो कोर्ट अगर ऐसे किसी परिस्थिति के सामने ऐसा कोई कथन या ऐसी कोई रचना, कोई प्रविष्टि कोई पेश करता, उस पर कोई राय कायम करता है, और ऐसी कार्रवाई के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाई, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। और ऐसी राय जब जज साहब बना लेता है तो वो राय क्या हो जाती है? मिथ्या राय गढ़ लेता है, मिथ्या राय बना लेता है, तो यह कहा जाता है कि उसने ऐसा मिथ्या कथन गढ़ा है। क्या कहा है? मिथ्या कथन गढ़ा है। क्या कहा है? मिथ्या कथन गढ़ा है, यानी कोई गलत राय बना लेता है ऐसे कथनों के आधार पर, तो मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, ये कहा जाता है। भाई जज साहब से मैं चाहता हूं कि मेरा मामला कोर्ट में साबित हो जाए, और उसके लिए मुझे कैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो वास्तव में है ही नहीं, जो है नहीं, लेकिन मैं तैयार करता हूं उस डॉक्यूमेंट को झूठा, और तैयार करके कोर्ट में पेश कर देता हूं। अब कोर्ट को मेरे उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही निर्णय करेगी, राय बनाएगा, भाई इसने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, इसका मतलब इसने जो किया है वो सही किया है, और मेरे इस डॉक्यूमेंट के आधार पर सामने वाले को दोष सिद्ध कर देता है। तो कोर्ट ने राय बना ली, मैंने जो डॉक्यूमेंट पेश किया, जो दस्तावेज पेश किया, उस दस्तावेज पर राय बना ली, चाहे तो कोर्ट हो, चाहे कोई लोक सेवक हो, चाहे कोई मध्यस्थ हो, इनके सामने पेश किया जाता है ऐसा, और ये फिर ऐसे प्रस्तुत डॉक्यूमेंट के आधार पर जो झूठा था राय बना लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि मैंने क्या कर दिया? मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, यानी कोर्ट उस पर विश्वास करके आगे कार्रवाई कर लेती है, तो इसका मतलब क्या कर दिया? मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया है मैंने, क्योंकि वो सक्सेस हो गया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहलाता है। जैसे कै एक बक्सा में, जैसे कै एक बॉक्स बॉक्स में जो यह का है, कै एक बॉक्स में जो किसका है? यह का है। कै एक बॉक्स में जो यह का है, इस आशय से आभूषण रखता है, ये का है, ये बॉक्स किसका है? इस यह का है। और ये क्या करता है? इसको पता है कि ये बॉक्स यह का है, इस बॉक्स में क्या करता है? इस आशय से आभूषण रखता है, इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्स में पाए जाएं। भाई ये चाहता है कि ये बॉक्स यह का है, और ये झूठे ही क्या करता है, एक बॉक्स के अंदर आभूषण रख देता है कि ये आभूषण इस बॉक्स में पाए जाए, और इस परिस्थिति में यह चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, और जब ये बॉक्स इस यह के आभूषण में पाए जाएंगे तो फिर मैं कह दूंगा कि इसने चोरी की है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आभूषण मिल चुके हैं, तो यानी यह को चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए। कहने क्या किया है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। कहने क्या कर दिया? मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया। भाई मैं आपके बैग में कोई चीज रख देता हूँ, मान लो मेरी कोई कीमती चीज है, मैं आपके बैग में रख देता हूँ, इस तरीके से रखता हूँ कि आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये फला बैग फला स्टूडेंट का है, और मैं अगर इसमें ऐसी चीज रख दूंगा तो वो उसके उसके बैग में मिलेगी, और जब बैग में मिलेगी तो फिर मैं कह दूंगा मेरी ये चोरी हो गई, फिर मैं बैग देखूंगा, चार आदमियों के सामने खुलवाऊंगा, बैग बैग में वो चीज मिलेगी, तो इसका मतलब लोग उसको क्या कहेंगे? तूने ये चीज चोरी की है। यानी मैंने क्या कर दिया? मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया। उसने चोरी नहीं की, फिर भी मैंने इस प्रकार से अस्तित्व में उस चोरी को अस्तित्व में ले आया कि यह ने चोरी की है। लोग देखने वाले तो यही कहेंगे ना, भी तेरे बॉक्स में या तेरे बैग में ये चीज कैसे आई?
इसका मतलब तूने चोरी की है, यानी इसको चोरी के लिए दंड करवाने के लिए इसने झूठा ही एविडेंस तैयार कर दिया, इसके बॉक्स में खुद ही आभूषण रख दिए और इस आशय से कि भाई यह को चोरी के लिए दंडित किया जाए, इस कह ने क्या कर दिया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया सेक्शन 192 के तहत। कोई डाउट है? कह एक एग्जाम्पल और देख लो, कह अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि करता है, ये कह है और इसकी अपनी एक दुकान है और दुकान में आपको पता है बही होती है हिसाब करने के लिए, इस बही में एक झूठी ही एंट्री कर देता है, प्रविष्टि कर देता है, झूठी प्रविष्टि कर देता है, क्या करता है इस प्रयोजन से करता है, ये जब एंट्री कर रहा था झूठी, इसको पता था कि क्या करना है कि न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए, कह ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, यानी इस प्रविष्टि को मैं क्या करूंगा, कोर्ट में पेश करूंगा और कोर्ट में जो मेरा काम या मेरा जो भी दावा है उसके अंदर इसको साक्ष्य के रूप में काम में ला सकूं। जैसे मैं झूठी एंट्री कर देता हूं, मैंने झूठा दावा कर दिया, एक तो भी 20 लाख रुपए लेने हैं और फिर मैं कोर्ट की मेरे किसी दुकान में एक डायरी के अंदर लिख देता हूँ कि फलाने दिन मैंने ये पैसे इसको दिए, तो फिर मैं इस एंट्री को क्या करूंगा, कोर्ट में ले जाऊंगा, देखो साहब मैंने फलाने दिन एंट्री में लिखा हुआ ये रहा मेरी प्रविष्टि, आप देखो, तो यानी मैंने ये क्या कर दिया, ऐसी प्रविष्टि करके मिथ्या साक्ष्य गढ़ दिया है। तो जितने भी झूठे इस प्रकार के एविडेंस तैयार करके कोर्ट में पेश किए जाते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उनको अस्तित्व में लाता है तो, और इस प्रयोजन से बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए लाता है कि इसका कार्रवाई में प्रयोग किया जाएगा, तो यह कहा जाता है कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। और अगर ऐसा कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है तो उसको 193 के तहत दंड दिया जाता है। मिथ्या साक्ष्य के लिए 3 आवश्यक तत्व जरूरी है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए 3 आवश्यक तत्व जरूरी है कि अभियुक्त ने मिथ्या प्रस्तुतियां या प्रविष्टियां या मिथ्या कथन युक्त दस्तावेज कारित किया है, यानी झूठी एंट्री की है, चाहे ऐसा कोई झूठा फैक्ट अस्तित्व में लेके आता है या किसी प्रकार से एंट्री कारित करता है या ऐसा कोई घटता है इसकी रचना करता है, ठीक है। दूसरा, ऐसा करने का आशय उसका क्या होना चाहिए, किसी न्यायिक कार्रवाई में पेश करने का होना चाहिए, यानी किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसको पेश करके ऐसा फायदा उठा सके उस चीज का। और तीसरा, इसके द्वारा मामले संबंधी तात्विक बात के बारे में गलत राय कायम करना चाहता है और ये चाहता है कि भाई कोर्ट में अगर मैं ऐसा पेश करूंगा तो जज साहब मेरी बात को मान लेंगे, यानी उसके विरुद्ध राय बना लेंगे, जिस अभियुक्त को दंडित करवाना है उसके विरुद्ध। तो अगर ये 3 चीजें कर देता है तो ये कहा जाता है कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, ठीक है। न्याय कार्रवाई का मतलब सीआरपीसी के जो सेक्शन 4 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग बताई गई है, यानी शपथ पर साक्ष्य लिया जाए या शपथ पर साक्ष्य दिया जाए, जो कार्रवाई जहां ऑन ओथ एविडेंस की जाती है वहां वो कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कहलाती है, ठीक है। सेक्शन 193 के अंतर्गत इसके मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया है सेक्शन 193 में, दंड दिया गया है और ये कहा गया है कि कितना दंड मिलेगा, तो सेक्शन 193 में दंड बताया गया है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए। अगर कोई ऐसा साहसे इंटेंशन के साथ किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी भी स्टेज में कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी भी स्टेज में इसको उपयोग में लाएगा, जैसे यहां लाता है, पहले तैयार करता है फिर उपयोग में लाता है, ऐसा उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकती है, 7 वर्ष तक की हो सकती है, 7 वर्ष तक की कारावास से उसको दंडित किया जा सकता है। दोनों भांति के कारावास का मतलब कारावास साधारण भी हो सकता है और कारावास कठोर भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन 7 वर्ष तक का हो सकता है और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने, प्लस जुर्माना, यानी कारावास के साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, इस दंड से उसको दंडित किया जाएगा। और जो कोई किसी अन्य मामले में साथ से मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, किसी अन्य मामले में देगा, यहाँ तो खुद करता है, या किसी अन्य मामले में देता है तो वहां ऐसा मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा तो वहां कारावास की अवधि कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष तक की हो जाएगी। वहां कारावास की अवधि कितनी हो जाएगी, अन्य मामलों में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, कारावास की अवधि 3 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, प्लस फाइन जुर्माने से भी उसको दंडनीय किया जाएगा, ठीक है। सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्रवाई है। अगर
मार्शल कोर्ट या जो सेना न्यायालय है उनके समक्ष अगर कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई को भी क्या माना जाएगा? न्यायिक कार्रवाई माना जाएगा। न्यायालय के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले जो विधि द्वारा निर्दिष्ट इन्वेस्टिगेशन होता है वह भी न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है। यानी अगर थाने के सामने कोई पेश कर देता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो थाने में पेश किया था, वो न्यायिक कार्रवाई नहीं है। नहीं, वो कार्रवाई भी न्यायिक कार्रवाई है क्योंकि न्यायालय से पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन है तो इसका मतलब वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में माना गया है। ठीक है, तो ये आपका 192, 191, 192 और 193 दंड के बारे में प्रावधान करता है। 195 ए में कहा गया कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना। सेक्शन 195 ए में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना या उत्प्रेरित करना, या तो उसको धमकाता है कि तू मिथ्या साक्ष्य दे या उसको दुष्प्रेरित करता है कि तू मिथ्या साक्ष्य दे। ऐसा अगर किसी व्यक्ति को धमकाता है या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उत्प्रेरित करता है तो उसको दंडित किया जाता है। कोई भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को, शरीर ख्याति या संपत्ति को, अथवा ऐसे शरीर ख्याति को जिसमें व्यक्ति हितवाद कारित करने के आशय से भी उसको कहता है मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो एविडेंस दे क्या, मेरे पक्ष में एविडेंस दे क्या, यानी धमका दिया। या उसकी रेपुटेशन के लिए कहता है कि अगर तूने ऐसा नहीं दिया तो मैं तेरे बारे में ये बात कह दूंगा, यानी लोगों को मैं ऐसा झूठा कहूंगा। तो अगर इस प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके रेपुटेशन को लेके, उसके शरीर को लेके, उसकी संपत्ति को लेके डराता है, धमकाता है या उत्प्रेरित करता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि उसने मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाया है या उत्प्रेरित किया है। और ऐसा अगर कोई अपराध करेगा तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 7 वर्ष तक की कारावास तक की उसको सजा दी जा सकती है। 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना और या दोनों से दंडित किया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है, सेक्शन 195 ए। और जो सेक्शन 201 है वो कहता है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रत्याच्छादित करने के लिए मिथ्या इतला देना। भाई अपराध कोई किया है, सेक्शन 201 क्या कहती है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना, अपराध के साक्ष्य का विलोपन करना या किसी अपराधी को प्रतिसादित करना। देखो कोई अपराध घटा है, अपराध मान लो यहां किसी का मर्डर हो गया और मर्डर होके मैंने खून साफ कर दिया यहां से, या उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया, छुपा दिया, क्या कर दिया, साक्ष्य का विलोपन कर दिया, यानी जो एविडेंस मिलनी थी वो एविडेंस मैंने खत्म कर दी, क्या कर दिया, विलोपन कर दिया, विलुप्त कर दिया, उसको गायब कर दिया। जैसे जला देते हैं ना, खुद ही ले जा करके कहीं दूसरी जगह जला के आ जाते हैं बॉडी को, क्या कर देते हैं, साक्ष्य का विलोपन कर देते हैं। या अपराधी को प्रतिसादित कर देता है, जो अपराधी था उसको छुपा लेता है, उसको छुपाने के लिए काम करता है। तो ये कहा जाता है सेक्शन 201 ये कहता है कि जहां अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया गया है या अपराधी को प्रतिसादित करने के लिए मिथ्या इतला देता है, कहता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, या ये कहता है कि अपराधी गया तो इधर है और कहता है कि अपराधी इधर गया, इसका मतलब क्या कर रहा है, अपराधी को बचाने का काम कर रहा है। अगर कोई ऐसा जानते हुए या विश्वास करते हुए करेगा तो उसको 201 के तहत दंडित किया जाता है। अगर ऐसा अपराध मृत्यु से दंडनीय हो, जहां जो अपराध था वो अगर मृत्यु से दंडनीय अपराध है तो उसके लिए सजा कितनी होगी, 7 वर्ष तक के कारावास तक की होगी और प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी मृत्यु से जो दंडनीय मामले हैं उनमें अगर अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया जाता है या अपराधी को छुपाने का प्रयास किया जाता है जानते हुए, तो वहां 7 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जाएगा, प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो ऐसा अपराध करता है उसको। यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो वहां तो ये, और यदि आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो वहां ऐसे अपराध का कारावास जो आजीवन कारावास या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो दंडनीय है, तो वहां दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की होगी, यानी 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर अपराध मृत्यु दंड का है तब तो 7 वर्ष तक के कारावास से, और अगर अपराध मृत्युदंड के अलावा अन्य किसी आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के दंड का है तो वहां ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। और अगर अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के दंड से दंडनीय है, मान लो जो अपराध किया है, साक्ष्य का विलोपन किया, वो अपराध इस टाइप का था कि जिसमें 10 वर्ष से कम सजा होने वाली है,
तो ऐसे अपराधी का या अपराध के साक्ष्य का विलोपन करता है तो वहां उसको दंड दिया जाएगा उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लो 7 वर्ष तक का है तो 1/4 उसको सजा हो सकती है, या प्लस या जुर्माना उसके हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर मान लो सजा है 7 वर्ष तक की और अपराध कर दिया, 7 वर्ष के अपराध के किसी साक्ष्य का विलोपन किया या अपराधी को छुपाने का प्रयास किया है, तो 7 वर्ष का 1/4 सजा तक के क्या की जा सकती है, सजा की जा सकती है। यानी 7 साल का कितना हो गया, 3.5 और 1.5 पौने 2, हाँ लगभग 1.5 साल, यानी 18 महीने तक की सजा उसे दी जा सकती है, और या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ 10 वर्ष से कम वाले में फिक्स नहीं बताया कितने है, पर ये कह दिया कि 1/4 तक, जो जो अधिकतम सजा है उसका 1/4 तक की सजा ऐसे अपराधों के बारे में दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि कै यह जानते हुए कि खै ने यह की हत्या की है, कै यह जानते हुए, ये कै है, ये जानता है कि इस खै ने यह की हत्या की है, कै ये जानते हुए कि खै ने यह की हत्या की है, यानी खै ने किसका मर्डर किया है, यह का मर्डर किया है, और कै को इस बात का पता है कि यह मर्डर खै ने यह का किया है। कै यह जानते हुए कि खै ने यह की हत्या की है, खै को दंड से प्रतिसादित करने के लिए इस कै चाहता है कि भी मैं इस खै को बचा लूं। अब बचाने के लिए क्या करता है, मृत शरीर को छिपाने में खै की सहायता करता है। इसको पता लग गया कै को कि खै ने यह का मर्डर कर दिया है, लेकिन अब खै को बचाना चाहता है कै, और इसको बचाने के लिए इस यह का जो शरीर था इसको क्या करता है, इसको छिपाने में सहायता करता है खै की। तो कै कौन से दंड से दंडित किया जाएगा, कै 7 वर्ष के लिए दंड से दंडित किया जाएगा, 7 वर्ष तक के दंड से, क्योंकि जो अपराध था वो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध था, यानी मर्डर कर दिया तो मृत्यु दंड भी हो सकता है इसमें। तो अगर मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध में साक्ष्य का विलोपन करता है या अपराधी को प्रतिसादित करने के लिए कोई सहायता करता है, तो उसको 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ कह है वो 7 वर्ष तक के कारावास से किसी भी भांति का हो सकता है, साधारण या कठोर, और प्लस जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। ठीक है, ये आपके जो सेक्शन थे 191, 192, 193 और 195A और 201, तो इनको मिलाकर के आपसे पूछेगा। आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो केवल 191 और 92 ही है, 191 और 92, इसका दंड आप 193 लिख सकते हो। ये वाले तो पूरा डिटेल से पूछेगा तो ही आपसे पूछेगा, अदर जो 195A या 201 है वो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इसको एक बार आप अगर जल्दी देख लेते ना, 2-4-5 दिन में इसका रिवीजन कर लोगे तो ये आपके ठीक ठाक याद रह जाएगा। वैसे इतना भी नहीं है कि याद नहीं रहे, समझने वाली चीजें थी वो अपने देख लिया इसको बढ़िया तरीके से, सारा एक साथ इसीलिए देखा है ताकि कोई चीज छूटे नहीं। अब जो आगे वाला होगा, अब जो बाकी सेक्शन बचे हैं इस यूनिट में आपके जो आने वाले थे ना, वो तो क्वेश्चन आ गए, फिर भी अब कह नहीं सकते कोई चीज जो है वो, जैसे मैं कहता हूँ भाई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज ना वो भी पूछ ले, तो क्या पता पूछ भी सकता है। या तो 124A आपसे राजद्रोह को लेके पूछा जा सकता है, या फिर आपसे 191 और 192 मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना, 10-10 नंबर का क्वेश्चन बना के आपसे 20 नंबर का इस टाइप से पूछा जा सकता है। 191-192 वाला तो पूरा क्वेश्चन भी बनता है, मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना पूरा क्वेश्चन भी बनता है, 20 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।